प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद की दुर्गा के नाम से। छायावाद के चार स्तंभों में से एक आधुनिक युग की मीरा के नाम से विभूषित प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल के अंतिम भाग की, जिसमें कवयित्री ने अपने जीवन वेदनामय जीवन रूपी दीपक को निरंतर जलते हुए अपने प्रियतम के प्रति एकाकार आत्मसमर्पण भाव अभिव्यक्त किया है। कवयित्री कहती है कि सजल सजल मेरे दीपक जल, तम असीम तेरा प्रकाश चीर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमित चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल। तू जल जल जितना हो तसे, वह समीप आता छलना मैं, मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्जवल स्मृति में घुल खिल, मधिर मधिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पत आलोकित कर। यह उत्तरण महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक गीत से लिया गया है। इसमें वे जीवन रूपी दीपक को संबोधित कर कहती है कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, सजल सजल मेरे दीपक जल, तू सजल सुख स्निग्ध होकर जलता रहा। यह सत्य है कि जीवन में निराशा का अनंत अंधेरा है। तम असीम तेरा प्रकाश चीर, और इस अंधेरे का कहीं और छोर नजर नहीं आता है, फिर भी तेरा प्रकाश चिरंतन है। प्रकाश अपनी शाश्वतता और अमरता के कारण अंधेरे की चुनौती झेलने में समर्थ है। इस प्रकार अंधेरा और प्रकाश निरंतर ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें कड़ी चुनौती होगी। तम असीम तेरा प्रकाश चीर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमित चित्र अंकित करता चल, हे मेरे जीवन दीप रूपी दीपक, तू अंधेरे के अणु अणु में प्रकाश का चित्र अंकित कर दे। इस प्रकार जीवन की निराशा को मिटाता हुआ तू निरंतर सरल स्वाभाविक गति से जलता रहा। कवित्री आगे कहती है कि हे मेरे जीवन दीपक, तू सहज भाव से जितना भी जल जल का सेव होता है, वह मायामय अव्यक्त प्रियतम उतना ही समीप आ जाता है। तू जल जल जितना होता से, वह समीप आता छलना मय, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू जल जल करके विरह वेदना में तड़प तड़प करके जितना सेव होता है, जितना नष्ट होता है, वह छलना मय, वह जादूगर, वह मायामय अव्यक्त प्रियतम उतना ही समीप आता जाता है। मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्जवल स्मित में घुल मिल। कवयित्री आगे कहती है कि वह प्रियतम मुझे निरंतर छलता रहता है और दूर दूर भागता रहता है, लेकिन मेरी आत्मविसर्जन की साधना से द्रवित होकर के उससे वह आद्र भाव से मेरे पास आवे, तो मैं उसके साथ मिलन सुख को प्राप्त कर लो, तब उस हंसी के उज्जवल प्रकाश में तू भी अपना अस्तित्व समाप्त कर देना तथा स्वयं को उसी प्रियतम के अस्तित्व में पूर्णतया विलीन कर देना। अतः है मेरे मंद गति और मस्ती से जलने वाले जीवन रूपी दीपक, मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पता आलोकित कर, तू निरंतर धीमे धीमे गति से मंद मंद गति से जलता रह और निरंतर जल करके अपने प्रियतम के पद को प्रकाशित और आलोकित करता रह। यहाँ पर कवयित्री ने हमेशा यही संदेश देने का प्रयास किया है कि हम अपने प्रियतम के विरह में जितने ज़्यादा तपते हैं, जितने ज़्यादा पीड़ाएँ भोग सहन करते हैं, जितने कष्ट झेलते हैं, वह प्रियतम द्रवित होकर के उतने ही पास आने का प्रयास करता है, और एक समय ऐसा आता है जब उस प्रियतम से मिलन होता है, और मिलन होने पर कवयित्री अपने जीवन रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कह रही है कि उस
वेला का इंतजार करते हुए तू मधिर मधिर अर्थात धीमे धीमे गति से निरंतर जलता रहा और उस अज्ञात अव्यक्त प्रियतम के रास्ते को पथ को प्रकाशित करता रहा। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा समय आएगा, एक ऐसा पल आएगा जब वह मेरी पीड़ा से, इस वेदनामय जीवन से द्रवित होकर के मिलन के लिए आतुर हो जाएगा और अपने छलनामय रूप को छोड़ देगा। यहाँ पर कवयित्री ने एक विश्वास जताया है कि जैसे जैसे विरही प्रियतमा अपने प्रियतम के विरह में जलती रहती है, जलते रहने से, कष्ट भोगने से, पीड़ित रहने से, पीड़ा को उठाने से जो उसका जीवन है उसमें निकार आता है और उस पीड़ामय जीवन को, उस वेदनामय जीवन को देख करके एक दिन उसका जो प्रियतम है वो अपने छल कपट को भूल करके उसकी इस स्थिति पर द्रवित हो जाता है और मिलने के लिए आतुर हो जाता है। उसी मिलन की घड़ी का इंतजार करती हुई महादेवी वर्मा कवयित्री अपने वेदनामय जीवन रूपी दीपक से एक ही आह्वान करती है और कहती है कि हे मेरे वेदनामयी जीवन रूपी दीपक, तू निरंतर धीमी धीमी गति से जलता रह, एक न एक दिन वह प्रियतम आकर के अपनी भेंट करेगा, अपना एक दिन जो जीवन का लक्ष्य है वह निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। तम असीम तेरा प्रकाश से जीवात्मा की अलौकिकता की व्यंजना देखने को मिलती है। दीपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवयित्री ने पुंडक्ति प्रकाश अलंकार का भी समावेश किया है। सजल सजल मधिर मधिर जैसी पंक्तियों में जहाँ पर पुंडक्ति प्रकाश है वहीं पर अन्यत्र हंस में उपमा और दीपक अलंकार का भी बखूबी प्रयोग महादेवी वर्मा ने इस भाग में किया है। गीता के अनुरूप पदबंधों की जो योजना है वह बड़ी ही आकर्षक और प्रशंसनीय है। इस प्रकार से इस गीत में महादेवी वर्मा ने छायावाद की जो प्रमुख विशेषता हैं उन सभी का समावेश किया है। रहस्यात्मकता, प्रियतम से मिलने की जो आतुरता है, गीता जैसे विशेषताओं का यहाँ पर दर्शन होता है। जैसी विशेषता इस अंश में आसानी से देखी जा सकती हैं, भारतीय दर्शन के अनुरूप जो रहस्यात्मकता है वह भी इस कविता में, इस गीत में देखने लायक हैं। ऐसा छायावाद के अन्य जितने भी कवि और कवयित्री हुए हैं उनमें जो विशेषताएं छायावाद की दिखाई देती हैं वह सारी की सारी विशेषताएं महादेव वर्मा के इस गीत में भी, इस छोटे से मनमोहक और मनभावक और विरह से युक्त गीत में आसानी से देखी जा सकती हैं। जय हिंद, जय भारत।